मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के साथ साथ बर्फ पड़ने की पूरी संभावना है। साथ ही अन्य प्रदेशों में यूपी, बिहार, झारखंड में मौसम बदल सकता है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग ने मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी दी। जीबी पंत विश्वविद्यालय के शोध निदेशक एवं मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एएस नैन के अनुसार गुरुवार को मैदानी क्षेत्र में बादल छाए रहेंगे और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फ पड़ने की संभावना है। कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं अन्य प्रदेशों यूपी, बिहार, झारखंड में भी मौसम बदलने की संभावना है। मौसम का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बाकी वर्षों के मुकाबले अलग रहा है। इस बार थोड़ा ठंड देर से शुरू हुई और देर तक रही। जब ठंड देर तक रहती है तो जो पश्चिमी विक्षोभ हैं वो थोड़ा सा देर से सक्रिय होते हैं, और जिसको हम अभी देख भी रहे हैं। जब से कोहरा छटा है और बादल छटे हैं, जो एक परमानेंट फीचर बना हुआ था, तब से तापमान में हल्की सी वृद्धि हुई और उसके साथ साथ जो पश्चिमी विक्षोभ हैं उनकी भी संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में, अगले दो दिनों में, आज और कल में मिला के बादल छाए रहेंगे, अगर आप बात करते हैं जो मैदानी क्षेत्र है। लेकिन जब आप पहाड़ की तरफ जाते हैं तो जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ़ पड़ने की संभावना है। उसमें मुख्यतः जो आपके हायर हिल्स वाले ज़िले हैं, जैसे चमोली हुआ, पिथौरागढ़ हुआ, तो इसमें बर्फ़ पड़ने की संभावना है। बाकी जो आपके प्लेन रीजन है या मिड हिल्स हैं, वहाँ बादल तो रहेंगे लेकिन कोई बारिश की ऐसी कोई संभावना नहीं। थोड़े छींटे कहीं लोकल स्तर पर पड़ जाएं तो वो बात दूसरी है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।